लाइक सच्ची बोल रहा हूँ, सो इरिटेटेड आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू दिस व्लॉग. यू आर मेंटली ड्रेन्ड, यू आर फिजिकली नॉट इन अ सिचुएशन टू डू समथिंग. देयर इज टू मच नेगेटिविटी दैट इज गोइंग ऑन. बाथरूम में इंस्पिरेशन कौन लेता है भाई? सुबह सुबह 7:30 बजे का दृश्य कुछ इस प्रकार है. सुबह से हो रही है बारिश. टुडे आई स्टार्टेड द डे इन द वर्स्ट पॉसिबल मैनर. व्हाई आई एम सेइंग दिस बताता हूँ. बट उससे पहले हेलो नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. माय नेम इज हर्षी भंडारी. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग. वेरी प्लेजेंट, वेरी कोल्ड गुड मॉर्निंग आज की हुई है. तो आज जो वर्स्ट डिसीजन है उसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है. तो सुबह 6:15 बजे उठा मैं एंड 6 o'clock देखा तो भाई बारिश हो रही है, बारिश चालू हुई है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. सो आई मैसेज पांडू की भाई क्या करना है, जाए वर्कआउट करने जाए. ही इज लाइक 10-15 मिनट रुकते हैं फिर देखते हैं. व्हाट्सएप पे मैसेज के पूरे रिप्लाई दे रहा था. इसी दौरान ही वॉज लाइक कि नहीं जाते हैं बिकॉज बारिश रुकने रही थी और मतलब अभी इतना लेट जाके कुछ फायदा नहीं बिकॉज ही ऑल्सो हैज टू गो टू वर्क. प्रोबेबली 6:15, 6:20 हुआ, आई वॉज ऑन व्हाट्सएप. थोड़ी मतलब दिल में लालच आई, व्हाट्सएप देखते 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 सोचा कि इंस्टाग्राम पे थोड़ी मतलब एक राउंड मार के आ जाते. यहाँ पे मैं फंस. इंस्टाग्राम पे जैसे ही गया एक एक रील्स देखने लगा, एक एक फोटोज देखने लगा और इस दौरान 1 घंटा कैसे निकला मुझे पता भी नहीं चला. आई लुक्ड अप टू दैट वॉच, इट वॉज लाइक 7 o'clock. आई एम लाइक डूड, I just wasted 1 hour सुबह सुबह on social media doing nothing but just looking at the photos. हालांकि मेरा वीडियो भी एडिट करना बाकी था, फिर क्या 2 मिनट रिग्रेट किया और उठ गया. कल जो वीडियो देखा आपने उसका एडिटिंग अभी शुरू कर रहा हूँ एंड देखते हैं इस व्लॉग में, इस जो आप अभी देख रहे हैं इस व्लॉग में क्या होता है आगे. पहले जाके बैठे एडिटिंग पे. तो ये स्टार्ट करने के पहले सब ट्रांसफर ही किया था. चलो मिलते हैं. सो अभी जो करना है इट इज टाइम इज 8:30. अभी थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं फिर चाय वगैरह पियेंगे फिर वापस से बैठेंगे एडिटिंग के लिए. तो हाँ थोड़ा सा इत्तू सा चुल्लू पर थोड़ा वर्कआउट करेंगे आज. चलो फिर. कल जो आपने वीडियो देखा वो अभी पोस्ट रहा है, बहुत लेट पोस्ट हो रहा है. अभी पोस्ट भी नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट गेटिंग एक्सपोर्टेड और बहुत बहुत ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 1 घंटा जाएगा ये पूरा एक्सपोर्ट होने को. और थोड़ा लंबा वीडियो है. द टाइम राइट नाउ इज 9:10. ओके सो ये हो रहा है, इसको अप्रॉक्सिमेटली 1 घंटा लगेगा. ये सोचा जब तक ये एक्सपोर्ट हो. बाय द वे अभी खा के आया हूँ मैं. वो एक्सपोर्ट करने के लिए रख के खाने गया था, खा के अभी आ रहा हूँ. वो एक्सपोर्ट हो रहा है. वो एक्सपोर्ट हो रहा है और अप्रॉक्सिमेटली 1 घंटा लगेगा. उस दौरान मैं बात कर लेता हूँ आपसे. एंड बात कुछ ऐसी है, सुबह रिकॉर्ड किया था उसके बाद अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ. क्यों? बिकॉज देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट नीड टू बी डन. वो बहुत जरूरी थी, इससे ज्यादा जरूरी वो था जो करना था. दोपहर को फिर दुकान पे था, फिर पूर्ण तरह से लेजीनेस आई मुझ में. एंड ऑल्सो कि भाई बाहर वेदर एकदम मतलब पूरा रोमांचक हो रखा था. इट वॉज नॉट रेनिंग एज सच बट इट वॉज वेरी वेरी प्लेजेंट. एंड आई वॉज लाइक भाई इधर बैठा था, मैं ये सोच रहा था कि बारिश की भी संभावना थी. मुझे व्लॉग करने का मन भी नहीं था, एक्चुअल में मन नहीं था. आई वॉज सो इरिटेटेड, लाइक सच्ची बोल रहा हूँ, सो इरिटेटेड आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू दिस व्लॉग. बट देन आई हैड सीन दिस वीडियो ऑफ MSK लॉन्ग बैक, बहुत बहुत पहले देखा था एंड इट जस्ट क्लिक में. देन एक बात उसने बोली थी कि दिस दिस थिंग कॉल्ड ABC दैट इज ऑलवेज बी क्लोजिंग. दैट मीन्स वॉट एवर दैट यू स्टार्ट एंड इट. जो कुछ भी चालू कर रहे हो काम, जो कुछ भी काम जो आपने हाथ में लिया है वो खत्म करो, उसे
बीच रास्ते में मत छोड़ो। यू नो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय हेड, वो बताता हूँ। अभी इधर कहीं एंगल चेंज करने लायक नहीं है बिकॉज ये यहाँ पे सोया है, नहीं दिखा सकता। तो यही है बैकग्राउंड, यही से करेंगे शूट। आई थॉट कि ये सब शॉट्स अभी बोलने वाला हूँ मैं, एक पर्टिकुलर शॉट्स लेंगे, बट नहीं, लेट हो रहा है, कर देंगे ऐसे ही एक ही बैकग्राउंड में। ओके, ग्रीन स्क्रीन आमची भाई, ग्रीन स्क्रीन थी भाई, क्या है फुकट ग्रीन स्क्रीन, काय टेंशन होता। Heavy scenes, bro. So see, what do? When you don't feel like doing something, what do? When you're mentally drained, you're physically not in a situation to do something, and you're not in the right state of mind, when there's too much negativity that is going on in your head, in your subconscious mind, what do? You do it anyways. जो काम करना है वो काम करना है, no matter what. And by the way, ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बाथरूम में था और मुझे अब सबको आता क्या पता, मुझे पर्टिकुलरली वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं, इट्स लाइक अ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लेथोरा ऑफ क्रिएटिविटी दैट कम्स इनटू मी व्हेन आई एम देयर। तो उस थिंग्स रिलीजिंग, सो यू हैव मोर ओके, जो क्रिएटिविटी वहां पे आती है ना, वो भाई आई लिटरली हैड इट स्क्रिप्टेड आउट सो परफेक्टली, जो शब्द बाहर निकले थे वो इतने मोटिवेटिंग थे, इतने इंस्पायरिंग थे, मैं खुद वहां पे इंस्पायर हो गया भाई, मैं खुद इंस्पायर हो गया वहां पे बाथरूम में, इंस्पिरेशन कौन लेता है भाई। सो वो सब इतनी अच्छी स्क्रिप्ट की थी, इतने अच्छे शॉट्स वगैरह वहां पे प्लान किए थे, यहाँ आने के बाद सब चौपट हो गए, सब चौपट। तो कोई नहीं, सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, यू डू इट एनीवेज बिकॉज दैट इज द थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन, एंड आई डिड एग्जैक्टली द सेम। आओ कितना गलत साइकिलिंग है, कितना लेट बैठ चल रहा हूं, 6:15 सब एयरसल लो, 6:15 एंड कितना ले, हां एग्जैक्टली, ही आस्क्ड मी वेदर आई वांट टू एडिट इट और ही आस्क्ड डू ही प्ले गेम, सो आई वाज लाइक टू एडिट कर, हाउ चल लो, एंड ऐसे निकल, मैं कुछ नहीं लिया, आई ऑलवेज कैरी वाटर बॉटल, आज पानी तक नहीं कैरी किया मैंने, आई वाज लाइक आई वाज लिटरली नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड टू डू एनीथिंग, आई वाज नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ डूइंग कुछ भी, आई जस्ट वांटेड टू लाई डाउन ओवर हियर, बट देन वही बात, ऑलवेज बी क्लोजिंग, कंप्लीट करो, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट रिकॉर्ड मच ऑन द दिस। आई पिक्ड अप माय साइकिल, गया साइकिल ली, शूज भी नहीं पहने थे, ऐसे सैंडल पहन के, एंड बारिश की संभावना बहुत ज्यादा थी, इट कुड हैव रेन्ड एनी टाइम, सो मैं गया द सेम रूट दैट आई टुक डे बिफोर यस्टरडे, छोटा सा किया था, छोटा सा मतलब अप्रॉक्सिमेटली 4 किलोमीटर का किया था मैंने, उस टाइम जो किया था मैंने, आई टुक अप्रॉक्सिमेटली 2 ब्रेक्स 2 और 3 ब्रेक्स। हियर इज द थिंग, व्हेन यू डोंट वांट टू डू समथिंग एंड व्हेन यू मेक अप योर माइंड, यू जस्ट फोर्स योरसेल्फ टू डू इट बिकॉज करना जरूरी है। आई डिड दैट विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, घर के पास पहुंचा, वापस गया, वापस एक राउंड मार के आया, एंड That too in a span of time which I did the first time जब मैंने किया था ना, उस वो करने में जितना टाइम लगा था ना, ये दो राउंड मारने में भी उतना ही टाइम लगा, I think 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, बट ऑलमोस्ट लिटरली आई डिड दैट, एक भी ब्रेक नहीं, डायरेक्ट आके घर के नीचे ब्रेक लिया हूँ मैं, सो दैट वॉज प्रिटी सेटिस्फाइंग, दैट वॉज प्रिटी, यू नो, एक इट वॉज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी डूड, लाइक आई फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर डूइंग दिस, एंड दैट इज द रीजन आई एम डूइंग दिस व्लॉग राइट नाउ, वो किया। And from that point in time, when I was not feeling like doing it, I was demotivated as shit. Once I did that, once I completed that task, I felt like doing this vlog. I felt like completing this vlog. When you start doing things that are not possible, when you start doing things that are a bit tough, when you overcome that, when you achieve one task and then other, and then another, and when you look back, I mean, like you've come a long way. You've literally come a long way. And इस vlog में बोलने लायक ऐसा बहुत कुछ है. इस vlog में मुझे लगता है अच्छी बातें मिलेगी जो मेरे मन में थी. And that really came out in a good way for me. And what did I get to see? जैसे मैंने बोला ज्यादा शूट नहीं किया था, बट द स्काई वॉज प्रीटी नाइस, थोड़े थोड़े एक दो तीन क्लिप्स ही लिए रहेंगे मैंने, बिकॉज आई वॉज टोटली इंजॉइंग द राइड, आई वॉज टोटली इंटू इट, आई वॉज टोटली फोकस्ड ऑन राइडिंग प्रॉपरली, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था दाएं बाएं आगे पीछे, तो नहीं देख सकता ऑब्वियसली, स्काई वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन आई वॉज रिटर्निंग होम। मेरे लिए आज का अचीवमेंट क्या था बेसिकली, आई कंप्लीटेड दिस व्लॉग, वन थिंग आई वॉज नॉट इन अ स्टेट टू डू इट, बट फिर भी मैंने किया वो, सो दैट वॉज अनदर अचीवमेंट फॉर द डे। जो मैं नॉर्मली करता था और जिसमें मुझे टायर्ड फील होता था, उसी राउंड के मैं उसी रूट के मैंने दो राउंड लगा दिए, बिना हमने अनेक कहता लोग बोला जिकड़े अनेक कहता लो, बट आई वॉज लाइक भाई बस काम भी करवा जाए, वीडियो भी एडिट करना है, मैं कर इतने में रहने, सो आई हैड इनफ एनर्जी की भाई और एक राउंड कर सकता था मैं, बट एडिट करना था इसलिए नहीं गया मैं।
सो दॅट वॉज अन अचीवमेंट अँड 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 यू नो वॉट द फन पार्ट इज जेन्ना तुका करपाचे आसना पै किदें अँड वेन यू टेक दॅट स्टेप टू डू इट की भाई चलो करले ते यू एक्च्युली टेंड अप डुईंग इट बेटर वेन यू डोंट वॉन्ट टू डू समथींग बिकॉज वेन यू आर नॉट फिलिंग अबाउट डुईंग इट बट वो करना जरूरी है अँड वेन यू टेक दॅट फर्स्ट स्टेप इन टू डुईंग इट की भाई चलो कर लेते हैं मोमेंटम ना टूट जाए चलो कर लेते हैं क्या ही हो जाएगा नहीं वैसे भी नहीं कर रहा हूँ करके थोड़ा कुछ तो हो जाएगा डेली का कोटा भर जाएगा बट एक्चुअली दैट इज द टाइम व्हेन यू यू नो टेंड टू ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड्स लाइक आई डिड टुडे सो दैट इज समथिंग दैट आई लर्न टुडे एंड दैट इज द लर्निंग दैट आई एम ट्राइंग टू इधर से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सो दैट वॉज प्रीटी मच अबाउट द व्लॉग कल एक नया दिन है कल एक नया व्लॉग होगा कल एक नया क्या होता है देखेंगे आई एम प्रीटी मच पम्प्ड अप टुडे टुडे मतलब एट दिस पॉइंट इन टाइम आफ्टर दैट साइकिलिंग वाला थिंग हैपेंड आई एम प्रीटी मच पम्प्ड अप राइट नाउ कमेंट में बोलना जरूर इफ यू ऑल वांट मी टू टॉक अबाउट सर्टेन टॉपिक्स कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स मत बोलना सो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट इट आई होप यू ऑल फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस व्लॉग बेसिकली इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड इफ यू ज्यादा लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अगर चैनल पर नए हो तो And if you still not subscribe to channel, do consider subscribing because मजा आएगा दोनों को. Also bell notification दबाना so that you all can get notification whenever I upload a new vlog. So that was all about it. I hope I was able to bring a smile on your face. Thank you for making me a part of your day. I'll see you soon in the next vlog. Until then, bye bye. Take care. Stay safe. Take care of yourself. Take care of yourself. Take care of my family and peace. मोगा सुनी. And देखते हैं इसका कितना हो गया है. हेलो मेरा व्लॉग शूट करके हो गया इसका अभी तक 64% बाकी हो जाएगा चलो टाटा सर आपने बोले बाबा आई फॉरगॉट आई लाइक आई वाज अबाउट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द टॉपिक लाइक यू सेड आई वांट टू टॉक ऑन समथिंग फॉरगॉट दोन फावटी कोण विसरता रे बाबा एकूण गेलं.